चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मशीन ना बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि नई तकनीक से बनाई गई है, तो इसमें जो जो रिकॉर्डिंग है और जो डीएमएम वाली जो कार्रवाई है, ये बहुत हद तक एडवांस वाली पद्धति से इसमें अपनाई गई है। तो भारत निर्वाचन आयोग की जो मशीन से नोट आउट, ये मशीन बहुत ही अच्छी है और इसको दोबारा कई बार और इलेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, पंचायत इलेक्शन में हम लोग टीम बेस में इलेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मशीन ना पूरी 100% नहीं है, कम भी मशीन होने के बावजूद भी यही डीएमएम के थ्रू हम लोग पूरी मशीनें से करवा लेंगे। तो हमारे लेस इन्वेंट्री से हम पूरा इलेक्शन कंडक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मशीन ओनली। तो बहुत अच्छी मशीन है, आप सभी से अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कराएं, लोगों को अभ्यस्त रहें, क्योंकि पहले जब इलेक्शन होता था तो केवल वो बैलेट पेपर के थ्रू होता था, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती थी और गिनती में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा कि हमेशा काउंटिंग के वक्त हल्ला गुल्ला होता था। डेफिनेटली किसी कक्ष में, जैसे मैंने करवाया था नगर पालिका का चुनाव एज एस डी एम, तो वहाँ भी खूब हल्ला गुल्ला हुआ, ये है वो है, अगर कहीं बीच में लगा दिया उसमें तो किसका रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, अगर उसका मान लिया तो उसमें भी विवाद होता था। इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं, आप जब ये काउंटिंग जब होगी स्टार्ट, तो काउंटिंग हमारी 9 बजे से स्टार्ट होने वाली है। दो तारीख वाले इलेक्शन की 6 दिसंबर को होगी और 28 नवंबर वाला जो है वो 4 दिसंबर को होगा। तो जो 4 दिसंबर वाला आप जो इलेक्शन है और ये 6 काउंटिंग है और 6 दिसंबर वाली जो काउंटिंग है, आप मान के चलिए 9 बजे से स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएंगे। मतलब जितनी टेबल्स लगी रहेंगे, 39 टेबल्स लगेंगे ना, 39 वार्ड्स उतरेंगे, तो अब मान के चलिए एक वार्ड में अगर या 2 या 3 या फिर 4 पोलिंग स्टेशन मान लें, तो भाई एक बार पोलिंग स्टेशन में आया तो दूसरा बार आया, और मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में आपको क्लियर पिक्चर एकदम 100% आ जाएगी। ये बात काउंटिंग साथ में चलेगी सर? नहीं, काउंटिंग अभी नहीं चलेगी, साथ में वो ये जो मशीन ऑन करके हम दिखाएंगे, ये बोल का अध्यक्ष और पार्षद का एक के बाद एक मशीन पूरा दिखा दी जाएगी। मतलब आप